रायपुर से खबर है जहां कालीचरण के खिलाफ कोर्ट में चालान अब पुलिस पेश करने जा रही है। गिरफ्तारी के आज 90 दिन बीत चुके हैं। कोर्ट में सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में चालान पेश करेगी पुलिस। और बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने का आरोप कालीचरण पर लगा था। तो दिसंबर 2021 में रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कालीचरण को गिरफ्तार किया गया था और आज 90 दिन बीत जाने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता आदित्य नामदेव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, 90 दिन बीत चुके हैं और अब कालीचरण के खिलाफ आज कोर्ट में चालान भी पेश किया जाएगा। मैं चाहूंगा, कालीचरण को दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा महात्मा गांधी के ऊपर कथित टिप्पणी की थी उन्होंने, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच टिकरापारा पुलिस कर रही थी उनके ऊपर, क्योंकि धर्म संसद के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी में राजद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल वो रायपुर के सेंट्रल जेल में ही बंद है और चूंकि नियम ये होता है किसी भी क्रिमिनल मामले में, जो सामान्य क्रिमिनल मामला रहता है, उसमें 90 दिनों के भीतर चालान प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आज 90वां दिन है। आज चालान कोर्ट में पेश करेगी सिविल लाइन, क्योंकि सिविल लाइन इसमें सीएसपी जुडिक्शन में आता ही है। टिकरापारा थाना पुलिस आज इस पूरे मामले पर चालान पेश करेगी। निश्चित तौर पर चालान के बाद, क्योंकि चालान जैसे ही पेश होगा, उनके जो वकील हैं इस विषय पर जमानत के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज कोर्ट में जो है इनका चालान, इस पूरे विषय का पेश होने की पूरी संभावना है। पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी जी। धन्यवाद आदित्य जी तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कालीचरण के खिलाफ कोर्ट में आज चालान पेश होगा। गिरफ्तारी के आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस आज कोर्ट में कालीचरण के खिलाफ चालान पेश करेगी।